नमस्कार दैनिक समाचार में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। समय की बड़ी खबर नरवाल से आ रही है कि मिस्टीरियस ब्लास्ट यहां पर हुए, जिसके चलते आपको बताना चाहेंगे अब जम्मू को भी दहलाने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह की अगर बात करें, सुबह बजालता में एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ, जो खबर हमारे तक सूत्रों के आधार पर पहुंची। और अब की अगर बात करें, नरवाल की सीधी तस्वीर है इस समय, और इस समय पूरे एरिया को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और इस समय आप देख रहे हैं पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, एसएसपी चंदन कोहली, एसपी ममता शर्मा, और फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस तैनात है और पूरी तरह से यहाँ पर खंगाला जा रहा है और यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। इस समय जो जम्मू की बात करें, और आप देख रहे हैं इस समय की तस्वीरें जो आपको लाइव तस्वीरें जम्मू के यहाँ पे नरवाल एरिया से बता रहे हो, पुलिस यहाँ पर पुलिस क्या मीडिया को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। आप देख रहे हैं पूरी तरह से पुलिस यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर मिस्टीरियस ट्विन ब्लास्ट की जो खबरें हम तक पहुंची, आप ये पूरे एरिया को देखिए किस तरह से यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। एसएसपी जम्मू चंदन कोहली मौजूद है, एसपी ममता शर्मा मौजूद है, पूरी टीम यहाँ पर इसमें पूरी पुलिस के आला अधिकारी एडीजी पी मुकेश सिंह यहाँ मौजूद हैं, अन्य जो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद है। और ये बड़ी एक चिंता का विषय है, चिंता की जो वजह के एक के बाद एक यानी ट्विन मिस्टीरियस ब्लास्ट होना। और इस समय देखिए हम पुलिस यहाँ पूरी तरह से तैनात है और यहाँ पर किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। इस समय के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से नहीं जाने की अनुमति है, क्योंकि सुरक्षा का सवाल है। मैं भी कहीं और भी ये हो सकता है कि कहीं और भी ब्लास्ट होने की आशंका हो, कहीं और भी कोई चीज ऐसी जो कि छुपाई गई हो जिससे किसी को नुकसान हो सके। इसी चलते पुलिस यहाँ पर थोड़ी सख्ती बरतते हुए आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य। और गाड़ियां जो खड़ी है, ये भी कहा जा रहा है गाड़ियों के पास कोई भी ना जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस समय पुलिस पूरी तरह से तैनात है, पुलिस यहाँ पर किसी को भी जाने की आगे अनुमति नहीं है। और अब और बताया जा रहा कुछ लोग इस ब्लास्ट में, मिस्टीरियस ब्लास्ट में जख्मी भी हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है। फिर लिखेंगे जो सीधी तस्वीरें जो हमारे एक कहीं ना कहीं बड़ी ही चिंता की जो स्थिति समय बनी हुई है जम्मू में, एक के बाद एक मिस्टीरियस ब्लास्ट नरवाल में। और पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से तैनाती की है, मीडिया कर्मियों को भी आगे जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि अभी भी शंका जताई जा रही है मे भी कहीं और भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो है वो रहते हैं, बिजनेस यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में। और जिस एरिया में हम खड़े हैं, सबसे पहला जो ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर हुआ है, और बिल्कुल हम उसी स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ सबसे पहले जो ब्लास्ट हुआ है, मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे इस जगह पर हुआ। आप देख सकते हैं किस जोर का धमाका हुआ होगा, जो पूरी तरह से यहाँ पर देखिए किस कदर एक गड्ढा और गहरा हो गया है। और फिलहाल पुलिस पूरी तरह से चौकसी बरते हुए है। अब एक के बाद एक अगर बात करें सुबह की, अगर बात करें हम अगर सुबह की और इस समय पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है।
रास्ते वो आने वाला है और इस समय आप जो जिस जगह के ये दृश्य आप देख रहे हैं, विजुअल देख रहे हैं, ये वही जगह बिल्कुल हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर सबसे पहला नरवाल में ब्लास्ट हुआ है और कुछ लोगों के जख्मी होने की भी जो खबर हम तक आ रही, फिलहाल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया और अभी ये कहेंगे कि एक के बाद एक ब्लास्ट होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है और अभी फिलहाल इस एरिया को पुलिस के माध्यम से पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि गाड़ियों के पास ना आए, मे भी गाड़ियों के नीचे भी कुछ इस तरह की चीज यानी कि एक्सप्लोसिव चीज भी लगाई हो सकती है, इसलिए उन्हें यहां से पूरी तरह से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। आप देखिए सर्च ऑपरेशन भी यहां पर जारी है, पुलिस की टीम और अधिकारी पुलिस के यहां पर पहुंच चुके हैं पर ये अभी जो देख रहे हैं समय यो इस एरिया की अगर बात करें नरवाल की तो ये ट्रांसपोर्ट नगर में समय मौजूद है और यहां पर आप देखिए मोस्टली गाड़ियों का तांता लगा होता है और लोगों का आना जाना यहां पर रहता है और फिलहाल एक बार फिर से जम्मू की अगर बात करें एक के बाद एक यानी जम्मू को भी अब दहलाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले रजौरी की अगर बात करें अब वही चीजें जो है अब जम्मू में भी इस तरह की चीजें जो कि होने का करने का प्रयास किया जा रहा है समय के लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। पहले अगर बात करें सुबह बजालता में एक मिस्टीरियस ब्लास्ट होता है पर बाद में पुलिस ये कहती है कि कोई एक गाड़ी थी जिसकी जो कि जिसका टायर फटा था पूरी तरह से, हम तो ये भी उस चीज बात के पर ये उन्होंने कहा कि एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ था बजालता में और उसके बाद यकायक अगर बात करें जम्मू के नरवाल की ट्रांसपोर्ट नगर की वहां पर भी यकायक दो ब्लास्ट होने मिस्टीरियस ब्लास्ट होने कुछ लोगों की यहां पर ये कहेंगे कि उनके जख्मी होने की भी खबर जो आई, फिलहाल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया पर बड़ी चिंता की विषय है कि अब क्या करें, इसको किसके साथ जोड़े यानी क्या लगता है कि ये किसका असर है जो लगातार अब जम्मू को भी दहलाने का प्रयास किया जा रहा है इन ऐसी नापाक और इस समय जो लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू के नरवाल एरिया से जहां पर दो यानी ट्विन जो मिस्टीरियस ब्लास्ट हुए उसमें कई लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें फिलहाल उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जरे इलाज के लिए दाखिल करवाया गया पर उसी चलते यहां पर पूरी तरह से एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन भी जारी है क्योंकि लग रहा है ये भी कहा गया है कि यहां पर गाड़ियों के पास मत खड़े हुई हो क्योंकि अगर कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो एक बार फिर से राजौरी इलाके में जो ट्रक के नीचे एक आईडी को लगाया गया था और अगर वो आईडी ब्लास्ट होती तो कितना बड़ा नुकसान होता पर फिलहाल उसे हमारे सुरक्षा बलों ने विफल किया, उस आईडी को यानी डिस्पोज ऑफ कर दिया। पर यही पे अगर बात करें जम्मू की, अब जम्मू में भी इस तरह की जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं यानी जम्मू को भी जम्मू के लोगों को भी डर और भय का माहौल उन पर असर जो जमाया जा रहा है यानी इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि लगातार यकायक एक के बाद एक जो मिस्टीरियस ब्लास्ट जम्मू में होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस समय आप देख रहे हैं यहां पर पूरी तरह से पुलिस की तैनाती है और यहां पर इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। हमें ये एरिया सैनिटाइज करना है तो उसके बाद आप लोग आओ ठीक है ना, तो आप लोगों ने विजुअल लेने हैं प्लीज, आप लोगों को ये इतना स्क्रैप है कि ठीक है चलिए प्लीज। बिल्कुल ये यहाँ के पुलिस कर्मियों का भी ललित खजूरिया जो है आके नरवाल के ललित शर्मा जो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं एसएचओ जो नरवाल हैं, फिलहाल यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक डर का माहौल बना हुआ है पर उनका कहना भी सही है कि अभी सैनिटाइज किया जाएगा इस पूरे एरिया को। और इस समय देखिए एसओजी की यहाँ पर गाड़ी भी पहुंचते हैं पूरी तरह से और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के यहाँ पर जो एसओजी की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है पूरी तरह से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जम्मू की शान को बंद की जाए, एक बहुत बड़ी एसओजी की बस है वो करने की पूरी इसमें आप देख रहे हैं पूरे दृश्य नरवाल के इसमें एक
और इस समय देख रहे हैं जो सबसे पहला जो ब्लास्ट हुआ है, सबसे जो पहला धमाका यहाँ पर मिस्टीरियस जो ब्लास्ट हुआ है ये यहाँ पर इस जगह पर जो इस समय हम बता रहे हैं लाइव दृश्य समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर आप देखते हैं ये ट्रांसपोर्ट नगर है, फिलहाल ये कहेंगे पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और इसलिए कॉर्डन ऑफ किया कि कोई अप्रिय घटना ना यहाँ पर हो, किसी की जानी नुकसान ना हो। फिलहाल ये कहेंगे कि नुकसान तो हुआ है क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर जख्मी होने की जो हम तक खबर मिली, फिलहाल पूरी हम अभी तक पूरी जो खबर है जो हम तक पूरी जब तक पुलिस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता तब तक ये जरूर गया, पर ये सूत्रों के द्वारा जो हम तक खबर आई कि कुछ लोगों की यहाँ पर जख्मी होने की आशंका है, और यानी कि जो बताया गया वो अस्पताल में उपचार के लिए वहाँ पर उन्हें पहुँचाया गया है। फिलहाल यहाँ के लोग भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो काम करते हैं इस समय। सर आप यहीं पर थे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश राजा। जी राजी, जब आप यहाँ पे ब्लास्ट हुआ यहीं पे थे, क्या हुआ बताइए पूरी बात। हमने सोचा ये गैस बेल्ट की टंकी होती है ना, जो ये तकरीबन यहाँ पे फटती रहती है, हमने सोचा वो है। तो बाद में पता चला कि उधर चार पांच मतलब जो आदमी थे वो जख्मी हो गए। हाँ, वो कौन लोग थे जो जख्मी हुए? वो यही थे मिस्त्री, इधर से मिस्त्री का जी। ये पहला ब्लास्ट यहाँ पर हुआ जो जगह दिखा, हाँ, जहाँ से 200 मीटर दूर है आगे जी वहाँ पे। तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी है सेफ है क्या? गाड़ियाँ खड़ा होना यहाँ ठीक है बाद में देना, अच्छा चलो ठीक है। यानी पुलिस भी अपनी तरफ से काम कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रिय घटना ना हो, ये भी जरूरी है इन चीजों को ध्यान में रखना। ये चीजें बहुत ही जरूरी है इन चीजों को देखना। और जिस तरह से मैंने कहा कि हमने सोचा कि ऐसे ही कोई टंकी वगैरह फटी होगी, पर उसमें चार से पांच लोगों के जो जख्मी होने की, जो मिस्त्री थे यहाँ काम करते थे, उनकी जो खबर आ रही है सामने, हम ये प्रार्थना करते हैं वो लोग भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। पर फिलहाल यहाँ पे कहेंगे पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है हमारी पुलिस के माध्यम से, और एसओजी की टीम भी यहाँ पर पूरी तरह पहुंची हुई है। गणतंत्र दिवस भी जो है वो, और जिस तरह से आप जानते हैं ये समय जबकि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस भी बिल्कुल पास ही है कुछ ही दिनों के, और उसके बाद अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है, जम्मू को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और नहीं पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बल यहाँ पर आप पहुंचते हुए, सुरक्षा बल यहाँ पर पहुंचते हुए, क्योंकि इस समय जो अगर बात करें हमारे सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इन आतंकियों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। पूरी टुकड़ी यहाँ पर इस समय पहुंचते हुए, हमारे सुरक्षा बल, हमारे जवान, हमारे वीर जवान यहाँ पहुंचते हुए, इस समय फिलहाल नरवार के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और किसी को भी यहाँ पे एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जा रही, खास करके यहाँ के लोगों को जो यहाँ पर काम करते हैं, मिस्त्री हो चाहे कोई अन्य हो। क्या नाम है भैया आपका? प्रवीण कुमार। आप यहीं पे थे प्रवीण जी? हाँ जी। जब हुआ क्या पूरा एग्जैक्टली बताइए? एग्जैक्टली ये हुआ कि सब अपना अपना काम कर रहे थे जी। तो बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ। कितने बजे की बात है? ये कोई डेढ़ घंटा, एक डेढ़ घंटा पहले जी। हाँ जी। फिर उसके बाद जब आवाज आई आपको? हाँ, आवाज आई तो उसके बाद फिर लोग, हमने सोचा कोई इसकी टायर की टंकी विंकी फटी है, आम होता रहता है ऐसा, लेकिन ट्रेजेडी हुई यहाँ पे। पाँच छह कितने लोग जख्मी हुए? पाँच छह बंदे बोल रहे हैं जख्मी हो गया, ले गया हॉस्पिटल वगैरह।
यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कौन से थे? मिस्त्री थे वगैरह थे? हाँ जी मिस्त्री वगैरह थे सब। एक के बाद एक दूसरा भी ब्लास्ट हुआ था? हाँ जी हाँ जी, उसके कोई आधे पौने घंटे के बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ, फिर ज्यादा अफरा। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है कितनी सेफ है यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहना? इस तरह की है ना, ये बहुत ये सिस्टम का भी है थोड़ा कि पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं कब से हैं वो लगा के ये साफ करना चाहिए गाड़ियाँ। इस समय आप देखिए प्रवीण कुमार जी ने भी बोला जो यहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई, हादसा हुआ जिसमें यहाँ के काम करने वाले मिस्त्री जो हैं वो जख्मी हुए हैं। परवा के और इस समय देखिए हमारी जो टीम है पूरी तरह से तैयार हैं और हम सैल्यूट करते हैं हम इन वीर जवानों को। और ये जिसका काम उसी को साज है, और वाकई अगर हम लोग सुरक्षित हैं, हम इन्हीं लोगों की वजह से, अपने सुरक्षा बलों की वजह से, चाहे वो SOG हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, इंडियन आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, और एक बार फिर से जम्मू को दहलाने की एक बार फिर से बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया है। मीडिया को इसी के और कई तरह के सवाल जो है वो खड़े और आप बात करें तो इस समय सबको और एक बात और भी बताना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है बीच में, लोग भी यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि शायद राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जम्मू का जम्मू में आगमन है उनका 23 जनवरी को, शायद उसके साथ तो नहीं इसी की कहीं साजिश। इस समय बिल्कुल जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है उसके बिल्कुल थोड़ा नीचे, हम थोड़ा सा नीचे हैं, आपको बता रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य बिल्कुल। आखिर कौन थे लोग जिन्होंने ये, आखिर किससे ब्लास्ट हुआ, क्या था, फिलहाल अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरी तरह से हमारी यहाँ पूरी टीम पहुंची है, SOG की टीम पहुंच चुकी है, सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरी आला अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, पूरी तरह से कंगाला जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। फिलहाल क्या ब्लास्ट था, कौन थे वो लोग, आखिर किन लोगों ने किया और किस तरह से यहाँ पर ये जो कि इस मिस्टीरियस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है, फिलहाल पुलिस की तरफ से जब तक कोई पुष्टि यानी कि नहीं होती तब तक आप अपने से कुछ नहीं बताते, पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे एक बार फिर से जम्मू को दहलाने का प्रयास किया जिसमें कुछ लोगों की जो कि ये कहेंगे जख्मी हुए हैं जिन्हें फिलहाल अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया है। हमने आपको पूरे विजुअल बताया कि दो ब्लास्ट हुए यहाँ पर, एकाएक एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कुछ लोगों के जख्मी होने की बात जो सामने है उन्हें फिलहाल उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जरालाइजन रेफर कर दिया गया। पर सवाल बड़ा यह कि एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया जम्मू कश्मीर पुलिस के, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट होना और वो भी उस एरिया में, नरवाल की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें, और आप इस समय साइड पे देखें कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कई पुरानी गाड़ियां भी हैं, यानी इसीलिए यहां पर मीडिया को फिलहाल जाने की अनुमति नहीं क्योंकि इनका कहना है कि कुछ भी हो सकता है। जहां पर यकायक एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ है मे बी तीसरा भी हो सकता है, इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर के लिए जब तक इस एरिया को, पूरे एरिया को सैनिटाइज नहीं किया जाता तब तक किसी को भी, मीडिया कर्मी को भी अनुमति नहीं अंदर आगे जाने की, क्योंकि पूरे एरिया को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, सर्च ऑपरेशन जारी है, SOG की टीम और पूरी एजेंसी यहाँ पहुंची हुई है। और ये भी कहीं ना कहीं सही है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी की जान ना जाए, किसी पर की जान पर ना बने, फिलहाल पुलिस ने इस एरिया को बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया और वहां पर जाने की अनुमति नहीं। जब भी वहां पर पूरी तरह से अगर सैनिटाइज कर दिया जाएगा फिर मीडिया को भी वहां जाने की अनुमति होगी। फिलहाल ये कहेंगे एक बार फिर से जम्मू को दहलाने का प्रयास किया जा रहा है, पहले राजौरी की बात करें, राजौरी के ढांगरे अल्फा गेट की बात करें, अब जम्मू की बात करें तो लगातार जम्मू को, कुछ दिन पहले की अगर बात करें सिडरा की बात करें तो किस तरह से, जिस तरह से 26 जनवरी आने वाली है और उसी के चलते इस तरह की घटना को अंजाम देना, लगातार आतंकी अपनी कर कराना हरकतों लगातार अंजाम
देने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिलहाल ये कहेंगे जो लोग जख्मी हुए हम प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घरों को जाए, पर ये कहेंगे जरूर कहेंगे कि एक के बाद एक ब्लास्ट होना वो भी यहाँ पे नरवाल में ट्रांसपोर्ट नगर में एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान काफी सारे सवाल खड़े कर देता है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है, आखिर चूक कहाँ होती है, किस तरह की चीजें जम्मू के बीचों बीच अगर हो रही हैं तो कहाँ पर कमियां रही हैं। अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अगले आने वाले पल में पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय